सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। साइबर क्राइम सोनीपत जिले में रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजी वारदात खरखोदा क्षेत्र के गांव खांडा से सामने आई है, जहां बिहार के 3 ग्रेजुएट आरोपियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से डीलरशिप ऑफर कर सुनील कुमार को अपनी जाल में फंसाकर 15,80,000 रुपए ठग लिए गए। अब साइबर थाना क्राइम पुलिस ने 3 आरोपियों को बिहार से धर दबोच कर सोनीपत लाकर अदालत में पेश कर उन्हें 9 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है, ताकि अन्य वारदातों के भी खुलासे हो सके। मोबाइल पर साइबर क्राइम के अपराध करने वाले शातिर बदमाशों को सोनीपत की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अब गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है, जो लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न तरह के ऑफर देकर उनकी गाड़ी कमाई को ठग लेते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रिंस राज आयरन, दोनों आरोपी नवादा जिला बिहार और तीसरा आरोपी रोहित जोगांव शेखपुरा बिहार का ही रहने वाला है, जिनको वहीं से ही गिरफ्तार कर सोनीपत लाया गया और अदालत में पेश कर 9 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ कर दी है। फिलहाल पुलिस ने इनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन और 6,14,000 की नकदी भी बरामद की जा चुकी है। पुलिस पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों के अन्य और भी कई साथी हैं, जिन्हें भी जल्द गिरफ्तार करने के लिए टीमें रवाना हो चुकी हैं। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। सोनीपत पुलिस की जो साइबर थाना की टीम ने FIR नंबर 7 जो 19/10/2022 को रजिस्टर हुई थी, इसमें एक सुनील कुमार नाम के कंप्लेनेंट ने, जो खांडा खरखोदा का निवासी है, कंप्लेन दी थी कि इसको सोशल मीडिया के माध्यम से इसको डीलरशिप ऑफर की गई थी, और उस ऑफर के बाद आगे चल के उसके साथ 15,80,000 रुपये का फ्रॉड किया गया था। इसमें अपराध इस प्रकार से हुआ था कि सबसे पहले एक एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पर उसने देखा, इसमें कहा गया था कि आप अगर इफ्को की डीलरशिप चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए। उसने उस लिंक पर क्लिक किया, उसके बाद उससे एक फॉर्म भरवाया गया, और जब उसने वो फॉर्म भर दिया उसके बाद उसे आगे से कॉल आए और उससे कहा कि अब एप्लीकेशन फॉर्म एक और आपको भरना है। फिर एक एग्रीमेंट उससे साइन किया गया, करवाया गया, एक सर्टिफिकेट उसे प्रोवाइड किया गया, और इसी तरह विभिन्न स्टेजेस पे उससे अलग अलग धनराशि वसूल की गई। फिर उससे कहा गया कि हम अब माल भेज रहे हैं तो इसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा, NOC के लिए आपको अलग पैसे देने पड़ेंगे। इसी तरह उसे ये जो साइबर अपराधी हैं अपने जाल में फंसाते गए और कुल 15,80,900 रुपये उससे इन्होंने ठगी कर ली। अभी तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें एक आरोपी प्रिंस राज सन ऑफ मनोज राम है, जो जिला नवादा बिहार के हैं, जिन्हें बिहार से ही गिरफ्तार किया गया है। एक आर्यन सन ऑफ प्रवीण दास है, ये भी नवादा बिहार के ही हैं, और एक आरोपी रोहित सन ऑफ अलख देव है, ये शेखपुरा बिहार के रहने वाला है। इन तीनों को अभी गिरफ्तार किया जा चुका है और तफ्तीश चल रही है, और अन्य आरोपियों के भी नाम सामने आए हैं। अभी तक इन तीनों अपराधियों से 5 मोबाइल फोन और कुल 6,14,000 रुपए नगद बरामद किए जा चुके हैं। अभी ये रिमांड पे हैं तो इनसे और पूछताछ की जा रही है। 9 दिन का इनका रिमांड हमारे पास है।